हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला जो अपना चैप्टर है ना, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8, तो उसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कवर कर लिया, तो आज हम उससे आगे वाला करेंगे। फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में, मतलब कि जो मलेरिया है उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होगा बेसिकली, यानी हम होंगे और एक हमारे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होगी, तो क्या क्या होता है उसे पढ़ेंगे और साथ में कुछ डिजीजेस को और कवर करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मलेरिया जो है वो डिजीज कैसी है, किस टाइप का वेक्टर है उसके अंदर। सो मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है। ओके, मलेरिया किससे फैलता है? एक प्रोटोजोआ से फैलता है। आप ये नहीं कहोगे कि मॉस्किटो से फैलता है, नहीं, जो मलेरिया है वो एक प्रोटोजोअल डिजीज है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, भाई वायरल फीवर हो गया इस बंदे को, तो यानी कि ऐसे ही मलेरिया क्या होता है, प्रोटोजोअल डिजीज है। ठीक है, बस जो मॉस्किटो है वो तो इसलिए बदनाम है कि वो इस प्रोटोजोआ को अपने साथ में लेकर जाता है। ठीक है, यानी वो एक वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को अपने साथ में लेकर जाए। ओके, मलेरिया होगी अपनी प्रोटोजोअल डिजीज, फर्स्ट अपना पॉइंट हो गया भैया। अच्छा, अब वो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ओके, तो मलेरिया जिस वेक्टर से फैलती है, मतलब फैलेगी किससे, हमारे मॉस्किटो से, और उस वेक्टर का नाम क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जो हम सबको पता होता है। पर असलियत में मॉस्किटो तो सिर्फ इस प्रोटोजोआ को ह्यूमन तक लेकर जाती है और डिजीज कॉज कराती है। ओके, ठीक है, मच्छर खामखा में बदनाम। उसके बाद में कौन कौन से जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम की, कौन कौन सी वेराइटीज है जो मलेरिया को कॉज करती है, तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर तीन नाम दिए हुए हैं। पी का मतलब है प्लाज्मोडियम और आगे उनके स्पीसीज लिखे हुए हैं। ठीक है, जीनस और स्पीसीज फॉर्म में होता है ना, तो प्लाज्मोडियम तो हो गया जीनस, जिसको मैंने पी फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद में जैसे वाइवेक्स हो गया, फेल्सीपैरम हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब क्या है, उसके स्पीसीज है। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, वाइवेक्स, फेल्सीपैरम एंड मलेरिया। ठीक है, अब इसमें से एनसीईआरटी के अंदर डिस्क्रिप्शन किसकी दे रखी है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम की। ओके, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है ये क्या कोज करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया। एग्जैक्टली वर्ड हमने एनसीईआरटी से उठाया, कौन से वाला मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया ये कॉज करता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऐसे याद रख सकते हो कौन सी वेराइटी है, फॉल्स का मतलब झूठा होता है ना, तो अभी हमने पढ़ा कोई मॉस्किटो तो खामखा में बदनाम था, कॉज तो कौन कर रहा था डिजीज को, प्रोटोजोआ, तो फॉल्स झूठे से याद रख सकते हो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। ओके, अच्छा वो भी मक्खन लगा रहा है, पैम्पर कर रहा है ऐसे करके। अच्छा, अब हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर होस्ट होते हैं। होस्ट मतलब जिसके अंदर वो आपका, जैसे बोलते हैं ना टीवी एंकर्स होते हैं, होस्ट होते हैं वहां पर, तो जहां पर वो आकर रहता है उसे आप एक तरीके से होस्ट बोलोगे यहाँ पर। ठीक है, अब दो तरीके के होस्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। भाई जिसमें पहले आकर रहेगा उसको प्राइमरी होस्ट बोलेंगे, जिसमें बाद में जाएगा उसको हम सेकेंडरी होस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमारा क्या होता है, प्राइमरी होस्ट होता है। ठीक है, अब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के स्लेवरी ग्लैंड के अंदर, किसके अंदर, स्लेवरी ग्लैंड, हमारे माउथ के अंदर जैसे स्लाइवा होता है, ठीक मॉस्किटो के माउथ के अंदर भी तो स्लाइवा होता होगा, तो मॉस्किटो के स्लेवरी ग्लैंड के अंदर कौन मिलता है, ये प्रोटोजोआ। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड के अंदर, और ये जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, इसको मॉस्किटो के माउथ के अंदर जब प्रेजेंट होगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, तो उसे नाम दिया जाता है स्पोरोजॉइट्स। ओके, अब हम प्लाज्मोडियम नहीं बोलेंगे, जो मॉस्किटो है उसके स्लेवरी ग्लैंड के अंदर जब ये प्लाज्मोडियम मिलता है तो इसको क्या नाम दे दिया गया था, स्पोरोजॉइट्स, उन्हें हम स्पोरोजॉइट्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही ये मॉस्किटो किसी इंसान को काटेगा तो मॉस्किटो क्या करेगा, खून सक करेगा, ब्लड सक करेगा इंसान से, और जो ये स्पोरोजोइट है मॉस्किटो के माउथ से कहां चले जाएंगे, इंसान के ब्लड के अंदर, ह्यूमन के ब्लड के अंदर। ठीक है, मॉस्किटो के अंदर थे, नाम क्या था इनका, स्पोरोजोइट, जैसे ही ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो इसका नाम आगे जाके बदलेगा। ठीक है, आए सबसे पहले आते किसके ऊपर अटैक करेंगे, ह्यूमन के लीवर को अटैक करते हैं ये,
ठीक है, मॉस्किटो के माउथ से आए, कहां पर जाके अटैक करेंगे, लीवर को, ह्यूमन के लीवर के अंदर भैया भरपूर खाना मिलेगा, खूब मल्टीप्लाई करेंगे और आगे चल देंगे आरबीसी की तरफ। सबसे पहले लीवर को अटैक करेंगे, फिर चल देंगे आरबीसी की तरफ, ठीक है। एंटर हुए थे स्पोरोजॉइट्स के नाम पर, अब ये लीवर के अंदर एंटर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बहुत सारे हो जाते हैं, और अब इनका नाम क्या हो जाता है, मीरोजॉइट्स, ठीक है, मेरा अपना बना लिया। तो स्पोरोजॉइट से अब इनका नाम क्या हो गया, मीरोजॉइट, मेरा बना लिया, अपना बना लिया एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि एसेक्सुअली और सेक्सुअली जो ये प्रोटोजोआ है दो तरीके से क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। प्रोटोजोआ एक ग्रुप का नाम है जो हम किसमें पढ़ते थे, एनिमल किंगडम में हम पढ़ते थे ना कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी, और प्रोटोजोआ के अंदर एक इंसान, इंसान तो नहीं है क्या, प्रोटोजोआ ही है, यू मान सकते हो, जिसे हम बहुत सा हम एनिमल्स हैं, हमारे अंदर से एनिमल्स में तो भाई डॉग भी आता है, बफेलो भी आते हैं, हम भी आते हैं, ठीक, वैसे ही प्रोटोजोआ एक बहुत बड़ा क्या है, आपका किंगडम है, जिसमें से एक नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब उसकी भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, ओके, ठीक है। जैसे यू समझ लो कि भाई मैरीगोल्ड का फ्लावर, तो उसकी तो अलग अलग वैरायटीज होती है ना, ऐसे समझ लो। अच्छा, तो जो ये फीमेल अपना क्या था, प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ था, एंटर करा मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में, लीवर में आती है, उसका नाम क्या बन गया, मीरोजोइड्स। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये हमेशा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा ह्यूमन की बॉडी के अंदर, और ह्यूमन की बॉडी इसका सेकेंडरी होस्ट है, क्योंकि दूसरे नंबर पर आकर वहां पर अटैक होगा। तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो हमारी क्या थी, मॉस्किटो की बॉडी, उसके अंदर ये करता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, ठीक है। दो ऑर्गन को अफेक्ट करता है, लीवर को और उसके बाद में आरबीसी को, ठीक है भाई। जो ये मीरोजॉइट्स थे लीवर को, जिनके अंदर मतलब स्पोरोजॉइट्स का नाम बदल के मीरोजॉइट्स हो गया था लीवर के अंदर, क्योंकि जैसे एक स्पोरोजॉइट आया, मान लिया लीवर के अंदर जाके बहुत सारे बन गए वो, अब उनका नाम क्या बन गया, मीरोजॉइट्स। अब ये मीरोजॉइट्स जाकर आरबीसी को अटैक करेंगे, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट, पढ़ते हैं ना, इरिथ्रोसाइट होता है, ओके। अब जो ये आरबीसी है के अंदर, अब मान लिया कि हम ब्लड टेस्ट करा के आते हैं, भाई बताओ मलेरिया है क्या नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वैसे किट आती है पता लगाने की, बाकी मलेरिया वाले पेशेंट के ब्लड की स्लाइड बनाई जाती है, और उसकी स्लाइड को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं ना, तो हमें इस तरीके से ब्लड के अंदर आरबीसी दिखेगी, और उस आरबीसी के अंदर बिल्कुल क्लियर एक रिंग दिखाई देती है हमें, ठीक है। क्या दिखाई देगी हमें, एक रिंग दिखाई देती है, ओके। अच्छा, अब जो वो रिंग दिखाई देगी, मैं ये बात बोल रही थी यहाँ पर कि जैसे ही वो आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, ओके जस्ट अ मिनट, तो आरबीसी के अंदर आकर जैसे ही क्या करेगा, हमारे पास में हम ये बात कर रहे थे ना कि मीरोजोइस किसको अटैक करेंगे, अब आरबीसी को अटैक करेंगे, और ये जो आरबीसी है इसके अंदर हमें क्या दिखाई देगी, इस तरीके की रिंग लाइक एक स्टेज दिखाई देगी। कब दिखाई देती है, जब ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है, तो हमें पता लग जाता है इस बंदे को मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। अब ये आरबीसी के अंदर इन्हें खूब खाना मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, और अब इनका नाम बदलकर क्या हो जाएगा, ट्रोफोजॉइट। स्पोरोजॉइट की फॉर्म में एंटर करे थे, लीवर में नाम बदलकर हो गया मीरोजॉइट, आरबीसी के अंदर नाम बदलकर क्या हो जाएगा इनका, ट्रोफोजॉइट, ट्रोफोजॉइट, ठीक है। क्या नाम हो गया इनका, ट्रोफोजॉइट। और क्वेश्चन आता है कि जो रिंग लाइक स्टेज है आरबीसी के अंदर, वो हमें कब दिखाई देती है, अर्ली ट्रोफोजॉइट की स्टेज के अंदर, यानी जो शुरू शुरू में मल्टीप्लाई करने शुरू ही किए होंगे, फिर उन्हें भरपूर सा खाना मिला, मल्टीप्लाई करे, बहुत सारे बन गए, आरबीसी फट जाएगी, और उसके आरबीसी के ब्रस्टिंग होने की वजह से एक टॉक्सिन रिलीज होता है इंसान की बॉडी के अंदर, जिसका नाम क्या होता है, हीमोजॉइन, ओके। एक टॉक्सिन रिलीज होगा जिसका नाम क्या होगा, हीमोजोइन, और उस हीमोजोइन के रिलीज होने की वजह से क्या होगा, इंसान को ठंड लगती है, बहुत ज्यादा हाई फीवर हो जाता है, किसकी वजह से, हीमोजोइन की वजह से। आगे चले, बस हो गया भैया इसका काम खत्म। अब कोई फिर से मॉस्किटो आएगा, फीमेल आना फ्लीस, जिस इंसान को मलेरिया है उसको वो काटेगा, बाइट करेगा, और उसकी बॉडी से इनको लेकर, किसको, प्रोटोजोआ को लेकर चलता बनेगा कहां पर। अच्छा सुनो एक बार, अब क्या हुआ, जो ये ट्रोफोजॉइट है, मलेरिया हुआ हुआ इंसान को, तो मॉस्किटो आएगा, सक करेगा ब्लड को, ट्रोफोजॉइट कहाँ चले जाएंगे, मॉस्किटो के पेट के अंदर, स्टमक के अंदर। अब मॉस्किटो के स्टमक के अंदर क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो क्या बनाएंगे, दोबारा से स्पोरोजॉइट, और वो स्पोरोजॉइट फिर कहां पर चले जाते हैं, मॉस्किटो के स्लाइवा के अंदर,
सलाइवा के अंदर चले गए, फिर से पूरी की पूरी लाइफ साइकिल क्या होगी, रिपीट हो गई। मैं रिपीट कर रही हूं एक बार, क्या हुआ, मॉस्किटो है हमारे पास में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, दूसरा है ह्यूमन, प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमन। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के किसके अंदर, माउथ के अंदर जो स्लेवरी ग्लैंड्स है उनमें क्या मिलेंगे, स्पोरोजोइड, क्या मिलेंगे, स्पोरोजोइड। अब जो वो मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगी तो उसके स्लेवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइड कहां पर आ जाएंगे, ह्यूमन की बॉडी के अंदर, और वो कहां पर जाकर अटैक करेंगे, लीवर के अंदर, ठीक है। लीवर के अंदर जब वो अटैक करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पोरोजोइड का नाम बदलकर क्या हो जाएगा, मीरोजोइड हो जाएगा, मीरोजोइड हो गया। अब वो लीवर से निकलते हुए जाकर आरबीसी को अटैक करेंगे, आरबीसी के अंदर क्या मिलेगी हमें, रिंग स्टेज मिलेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिंग स्टेज मिलती है, और वहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बन जाएंगे, वो ट्रोफोजोइड। पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर कैसी चली, एसेक्सुअल चली। अब वो कहां पर जाकर अटैक करेगा, वापस मॉस्किटो के स्टमक में जाएगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और मॉस्किटो के स्टमक से स्लेवरी ग्लैंड के अंदर क्या बनकर चले जाएंगे, वापस से स्पोरोजोइड। तो ये थी अपनी पूरी की पूरी मलेरिया की लाइफ साइकिल, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं और डिजीज के बारे में। अच्छा उससे पहले एक नाम है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है रोनल्ड रोज, रोनल्ड रोज। तो रोनल्ड रोज ने ही क्या किया था, मलेरिया से रिलेटेड प्लाज्मोडियम के ऊपर काफी ज्यादा वर्क किया था। यानी कुल मिला के मलेरिया का कौन सा पैरासाइट होता है, मतलब जो मलेरिया कॉज करता है, उसके बारे में डिस्कवरी किसने की थी, रोनल्ड रोज ने करी थी। ओके आगे चलते हैं, ठीक है, मलेरिया हो गया अपना। अच्छा अब कौन सी डिजीज है, नेक्स्ट है अमीबियोसिस। अमीबियोसिस, अमीबा सुना हुआ है ना, जिसकी कोई शेप नहीं होती, सूडोपोडिया प्रेजेंट होती है। अच्छा झूठा भी बोलते हैं, सूडोपोडिया भी, झूठी सेल वॉल होती है उसकी। अच्छा तो अमीबियोसिस अमीबा की ही एक वैरायटी होती है जिसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट चीटी अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ओके भाई, एंट थी, चीटी थी, अमीबा था, लाइट जली, ठीक है। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कौन कोर्स करता है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका कोर्स करेगा अमीबियोसिस। अमीबियोसिस को हम क्या दूसरा नाम देते हैं, अमीबॉइक डाइसेंट्री भी बोलते हैं। सो अमीबियोसिस का ही दूसरा नाम क्या होता है, अमीबॉइक डाइसेंट्री, ठीक है। अच्छा अब कैसे होती है, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है। सो जो ये अमीबियोसिस नाम की डिजीज है, ये ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करेगी, ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगी, ह्यूमन की। अच्छा अब कैसे फैलती है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। अब क्या होगा, जिस इंसान को अमीबियोसिस हुई हुई है वो स्टूल रिलीज करेगा, किसी ओपन एरिया में अगर उसने कर दिया, उसके ऊपर आकर मक्खी बैठेगी, हाउस फ्लाई उसके ऊपर बैठी, किसी खाने के ऊपर या पानी के ऊपर जाकर बैठेगी। अब जो एग थे, यानी जो ये अमीबियोसिस जिस इंसान को हुआ हुआ था, उसके फीकल मैटर के साथ में क्या था, वो एग भी ओपन एरिया के अंदर रिलीज हो गए, मक्खी उसके ऊपर आकर बैठी, वो अपने साथ में उन एग्स को ले जाएगी, और जब हम उस खाने को खाएंगे कोई हेल्दी पर्सन, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, अमीबियोसिस की डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था, अब अमीबियोसिस के अंदर कौन इसका वेक्टर है, हाउस फ्लाई। किसको अफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। उसके बाद में होता क्या है इस डिजीज के अंदर, तो इसका जो पॉइंट दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, वो है स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। यानी जो स्टूल रिलीज करता है वो इंसान, उस फीकल मैटर को रिलीज करता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस होता है और ब्लड के क्लॉट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था अपना अमीबियोसिस। नेक्स्ट है एस्केरिसिस। एस्केरिसिस जो डिजीज है, ये होती है एस्केरिस की वजह से। राउंड वर्म हमें पढ़ते हैं, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, तो वहीं से एक निकल कर आता है एस्केरिस भी। एस्केरिस भी क्या है, एक वर्म है, इसकी वजह से क्या होती है, एस्केरिसिस नाम की डिजीज। अब एस्केरिसिस के अंदर होता क्या है, तो एस्केरिसिस भी क्या होती है, हाउस फ्लाई के थ्रू ही फैलती है, सेम फीकल मैटर से ही फैलेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, इंसान को इंटरनल ब्लीडिंग होती है और मस्कुलर प्लेन पेन होता है। मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाती है, यानी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है। कौन वेक्टर है यहाँ पर, हाउस फ्लाई। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज और इंटरनल ब्लीडिंग क्या है, एस्केरिसिस का मेन पॉइंट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट डिजीज दे रखी है एलिफेंटेसिस। एलिफेंट हाथी से याद रख सकते हैं, बहुत बड़ी सी चीज होगी। सो एलिफेंटेसिस या इस डिजीज का नाम होता है फिलियरेसिस। एलिफेंटेसिस या फिर फिलियरेसिस, तो ये किसकी वजह से फैलती है, ये फैलती है वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचीरिया, वुचीरियन वॉर्म होता है,
वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर वुचीरिया मैलाई, वुचीरिया मैलाई या फिर वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी ज्यादा लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो एलिफेंटेसिस कैसी डिजीज है? ये क्रोनिक डिजीज है, यानी लॉन्ग टाइम लेती है इसको स्प्रेड होने के अंदर। उसके बाद में किसको अफेक्ट करती है? ये अफेक्ट करती है हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को। ठीक है, तो ये किसको अफेक्ट करती है? लिम्फेटिक यानी लिम्फ्स को अफेक्ट करती है। ये ऊपर वाली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, लिम्फ को अफेक्ट करती है, वो भी कौन से एरिया के? लोअर लिम्ब के, यानी जो लोअर लिम्ब वाला एरिया होता है, लोअर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करती है। दूसरा, ये जेनाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में इसका वेक्टर कौन है? उन दोनों का हाउस फ्लाई था, एस्केरिसिस और अमीबियोसिस का। इसका होता है फीमेल मॉस्किटो। सो फीमेल मॉस्किटो क्या होती है? इसका वेक्टर होती है एलिफेंटेसिस। इसमें क्या होता है, जिस इंसान को एलिफेंटेसिस नाम की डिजीज हो जाती है, उसका जो पैर होता है वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाता है। एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दे रखा है, क्योंकि उसकी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एक तरीके से ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी डिजीजेस। मलेरिया की लाइफ साइकिल हो गई, हमने अमीबियोसिस कर लिया जिसका वेक्टर किसकी वजह से होती है, जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एस्केरिस होती है एस्केरिसिस की वजह से। एलिफेंटेसिस या जिसका दूसरा नाम है फिलियरिसिस, ये होती है वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से।